डॉक्टर साहब, यौन संयम से कैसे लाभ है? कुछ आदमी समझते हैं कि सेक्स से दूर रहने से, सेक्सुअल अब्सटिनेंस, सेक्स से दूर रहना, सेक्स में भाग नहीं लेना, महीने में एक बार, दो महीने में एक बार, ऐसा देवर सेक्स में भाग लेते हैं। सेक्स से दूर रहने से, सेक्स को संयम होने से, सेक्स पर नियंत्रण रहने से उनकी तबीयत अच्छा बनेगा, ऐसा समझते हैं। समझते हैं उनकी तबीयत अच्छा बनेगी, उनका दिमाग बहुत अच्छा काम करेगा और फिर चेहरे पर एक प्रकार का ग्लो आएगा, ऐसा समझते हैं। ये सब गलत धारणाएं हैं। सेक्सुअल अब्सटिनेंस, यौन संयम से किसी प्रकार का लाभ नहीं, फायदा नहीं, पाए कुछ भी नहीं। हर रोज ये आदमी मरीज में भाग ले सकते हैं, हर रोज, आदमी हो, औरत हो, कोई भी हो, सेक्स में हर रोज भाग लेने से उनकी कभी भी नहीं बिगड़ेगी। सेक्स में भाग लेने से उनके आयुष्य में से किसी प्रकार का घटना दे जाएगी। इसे सेक्स में हर रोज दो बार, तीन बार, चार बार, चाहे 10 बार भाग ले सकते हैं। सेक्सुअल अब्सटिनेंस, यौन संयम से किसी प्रकार का लाभ नहीं है। इसे कई लोग समझते हैं सेक्स को दूर कर कभी कभी अकेशन सेक्स में भाग लेने से उनकी तबीयत बहुत अच्छा रहेगा, उनका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा और उनके मांसपेशी बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा समझते हैं। ये सब गलत धारणा है। हर रोज सेक्स में जाए, और एक बात समझना, जो आदमी हर रोज सेक्स में भाग लेते हैं उनकी तबीयत अच्छी रहेगी, जो आदमी अपने मन को नियंत्रण करके सेक्स में सेक्स से दूर रहेंगे उनकी तबीयत बिगड़ेगी। क्योंकि जो आदमी, औरत और पुरुष, कोई भी सेक्स भागने से उस समय क्या होते हैं, में फील गुड हार्मोन्स, लव हार्मोन्स स्राव होते हैं। ये फील गुड हार्मोन्स उनकी तबीयत को ठीक रह के रखेंगी। इसलिए सेक्सुअल अब्सटिनेंस से किसी प्रकार का लाभ नहीं, उसे सेक्सुअल अब्सटिनेंस से उसका अर्थ है सेक्स से दूर, मन को नियंत्रण करने से, सेक्स से दूर रहने से किसी प्रकार लाभ नहीं है, तबीयत के लिए किसी प्रकार लाभ नहीं है। प्लीज डाउनलोड समरम मल्टी चैनल ऐप एंड वॉच योर फेवरेट चैनल्स फ्रॉम योर मोबाइल। ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल्स। और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए।